नमस्कार दोस्तों, एमपी करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 3 से 4 जनवरी 2020 के मध्य प्रदेश समसामयिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो मध्य प्रदेश की आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं एमपीपीएससी प्री जीएस एग्जाम एवं एमपी पुलिस कांस्टेबल आदि एग्जाम, जिसमें मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसके लिए यह वीडियो सीरीज महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अमरूद के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले का चयन किया गया है? एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अमरूद के लिए होशंगाबाद जिले का चयन किया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, स्वतंत्र प्रभार एवं नर्मदा विकास राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के अनुसार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत होशंगाबाद जिले में अमरूद का चयन किया गया है। जिले में अमरूद के खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमरूद की ब्रांडिंग के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। मध्य प्रदेश का अमरूद के उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान पर है। इसमें ये राज्य मंत्री ने 2 जनवरी 2020 को होशंगाबाद में आयोजित कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया, उसमें यह बात कही। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश पंजाब को पीछे छोड़कर अग्रणी राज्य बन गया है, ये फैक्ट है। उद्यानिकी फसलों के उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मॉडल विकास खंड बनाने के लिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद सहित 20 विकास खंडों का चयन इसमें किया गया है। होशंगाबाद से संबंधित फैक्ट ये भी है कि भारत सरकार की फार्मा प्रोत्साहन नीति के तहत होशंगाबाद जिले के औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबाई में 2074 एकड़ भूमि पर वल्क ड्रग पार्क तथा 358 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना हेतु भारत सरकार को स्वीकृत के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। कोरोना संक्रमण की दृष्टिगत प्रदेश को ऑक्सीजन, मेडिकल गैसेज, निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए होशंगाबाद जिले के औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई में ऑक्सीजन, मेडिकल गैसेज निर्माण इकाइया की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को राज्य शासन द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान भी कर दी गई है। निम्न में से किस फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान नहीं है? ऐसी कौन सी फसल है जिसमें मध्य प्रदेश का देश में स्थान प्रथम स्थान नहीं है? प्याज का स्थान जो प्रथम नहीं है, जबकि धनिया, लहसुन, संतरा के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि अमरूद, टमाटर और प्याज के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। ये फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश को 5 बार कृषि क्रमण अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। अभी हाल ही में वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने वन श्रमिकों के लिए साइकिल का वितरण कर साइकिल वितरण योजना का शुभारंभ कब किया है? ये वन विभाग के अंतर्गत ये जो वन श्रमिक रहते हैं, सुरक्षा श्रमिक रहते हैं, उनके लिए 2 जनवरी 2021 को वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने साइकिल वितरण योजना का शुभारंभ किया। अब इस योजना में वन श्रमिकों को हर 3 साल में नई साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वन मंत्री शाह ने 2 जनवरी 2021 को सिवनी जिले के पैंच नेशनल पार्क में कर्मचारियों के सम्मान समारोह सह स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में 811 कर्मचारियों को लेदर शूज, स्वेटर, टोपी, मोजे परिवारों के लिए और कुकर प्रदान किए, आरओ और कुकर प्रदान किए। ये सबसे जो सुरक्षा श्रमिक रहते हैं वो वन विभाग में सबसे छोटे मतलब कलेक्टेड रेट पर लगाए जाते हैं, उनके लिए ये बड़ी सोच मानी जा सकती है, क्योंकि जो कर्मचारी रहते हैं उनके लिए तो आते रहते हैं। पार्क प्रबंधन, पर्यटन सुविधा व्यवस्था एवं वन सुरक्षा में अपना अद्वितीय योगदान देने वाले वन श्रमिकों के सम्मान में मध्य प्रदेश के सभी नेशनल पार्क में प्रतिवर्ष पार्क डे मनाया जाएगा। प्रत्येक वन श्रमिक का परिवार इस दिन अपने परिवार के साथ पार्क सफारी का लुत्फ उठा सकेगा। देश के नेशनल पार्कों में प्रदेश के 5 नेशनल पार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग कितनी बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत किया गया है? तो इसका आंसर तो निकल के आ गया है, पहले ही 2,28,283 बालिकाओं को इसमें पंजीकृत किया गया है। दोस्तों, इससे संबंधित एक लाड़ली लक्ष्मी संबंधित एक वीडियो भी हमने बनाया है, जो कि अपलोड हो जाएगा। उसमें सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे, इस वजह से हमने इसमें फैक्ट शामिल किया है करंट अफेयर से संबंधित। लाड़ली लक्ष्मी योजना अप्रैल 2007 से लागू की गई थी। इस योजना प्रारंभ से दिसंबर तक अभी तक 2020 तक लगभग 37,63,735 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका फैक्ट है,
वित्तीय वर्ष 2020-21 में 228,283 बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश की फेमना मिस एमपी 2020 कौन है? मध्य प्रदेश की फेमना मिस एमपी 2020 रुद्रप्रिया यादव हैं, सुश्री रुद्रप्रिया यादव हैं फेमना मिस एमपी। अभी हाल ही में इन्होंने शिवराज सिंह चौहान यानी मुख्यमंत्री जी से भेंट की है, मतलब मुलाकात की है। अभी वर्तमान में रुद्रप्रिया नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल प्लानिंग स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में रिसर्च एसोसिएट के पद पर कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश भवन अन्न संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत कब से सत्यापन अभियान में निरस्त पंजीयन वाले कर्मकार को अब दो स्तर पर अपील का मौका मिलेगा? ऐसे श्रमिक जो 2014 से पहले अभियान चलाए जा रहे थे उसमें यानी अंतर्गत जो भी निरस्त किया गया था उनका आवेदन निरस्त किया गया था 2014 से निरस्त किया गया था 2014 से, तो उनके लिए दोबारा मौका दे रही है शासन। उसके लिए अब दो स्तरों पर अपील की जा सकेगी। श्रम विभाग द्वारा 2 जनवरी 2021 को इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया गया है। वर्ष 2014 से ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालक अधिकारी को अधिकृत किया गया था, लेकिन आवेदन किसी कारण से निरस्त कर दिए गए थे, तो उनका दोबारा सत्यापन के लिए वो अपील कर सकते हैं। ये अपील कहाँ कहाँ की जाएगी वो हम देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के निर्माण श्रमिकों के पंजीयन अस्वीकृत करने के मामले में जारी आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा आदेश जारी के विरुद्ध प्रथम अपील अनुभागीय अधिकारी राजस्व यानी एसडीएम को कर पाएंगे, द्वितीय अपील कलेक्टर को की जा सकेगी। इसी तरह शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील कलेक्टर और द्वितीय अपील संभाग के आयुक्त को की जा सकेगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अनुभागीय अधिकारी राजस्व और द्वितीय अपील जिले के कलेक्टर को कर सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस विभाग के अपने स्वयं के पुलिस थाने खोलने के लिए घोषणा की गई है? अब ये बिजली विभाग के, सॉरी दोस्तों, बिजली विभाग के की गई है। उपरोक्त दोनों कहां से आ गया, ये गलत है। केवल बिजली विभाग की बात हो रही है, ये बिजली विभाग की बात हो रही है। अब यह बिजली थाने के पुलिस अबकारी टीम की तरह काम करेगी। अंतर सिर्फ इतना होगा, अबकारी की टीम शराब के लिए और बिजली कंपनी की पुलिस बिजली चोरी पर कार्रवाई करेगी। ये बिजली थाने बनने पर हर थाने में 2 उपनिरीक्षक, 4 सहायक उपनिरीक्षक, 8 प्रधान आरक्षक, 16 आरक्षक का स्टाफ रखे जाने की संभावना है। इसमें 14 पुरुष और 2 महिला आरक्षक भी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त 30 जवानों को थाना कार्यालय में कार्य करने के लिए पदस्थ किया जाएगा। इसी तरह उपनिरीक्षक सहायक श्रेणी 2 का 1 पद, सहायक उपनिरीक्षक डेटा ऑपरेटर का 1 पद, सहायक उपनिरीक्षक सहायक श्रेणी 3 का भी 1 पद सृजित किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? ये दस्तक अभियान इंपोर्टेंट अभियान होता है। दस्तक अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? ये चलाया जाएगा 11 जनवरी से 13 फरवरी 2021 तक ये चलाया जाएगा। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास के संयुक्त दल इसमें काम करेंगे। एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 5 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चे वाले परिवारों को घर पर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के दस्तक इसमें देंगे। 36वें नेशनल कराते चैंपियनशिप में किस शहर के इंटरनेशनल कराते प्लेयर सत्यांश शर्मा ने गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया है? तो ये ग्वालियर के हैं, इन्होंने गोल्ड और सिल्वर हासिल किया है 36वें नेशनल कराते चैंपियनशिप में। ग्वालियर के रहने वाले हैं ये। 36वें नेशनल कराते चैंपियनशिप में ग्वालियर शहर के इंटरनेशनल कराते प्लेयर सत्यांश शर्मा ने गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल कर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। दोनों मेडल सब जूनियर इवेंट के अंडर 14 आयु वर्ग में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए जीते हैं। यह चैंपियनशिप एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में हरियाणा के फरीदाबाद में 29 से 30 दिसंबर 2020 तक आयोजित की गई थी। सत्यांश मध्य प्रदेश के प्रथम विक्रम अवार्डी तथा एशियन जज परितोष शर्मा से कराते का प्रशिक्षण चैंपियन मार्शल आर्ट स्कूल में ले रहे हैं। यह आईटीएम ग्रोवर स्कूल की कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं। अमरकंटक नर्मदा महोत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ये जो अमरकंटक नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाना है वह 18 से 20 फरवरी 2021 तक किया जाएगा। अमरकंटक नर्मदा महोत्सव का आयोजन 3 दिवसीय होने की सहमति बनी है। महोत्सव का नर्मदा जयंती के एक दिन पूर्व 18 फरवरी से शुभारंभ होकर 20 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। 19 फरवरी 2021 को नर्मदा जयंती मनाई जाएगी।
भोपाल में दिव्यांग कयाकिंग कैनोइंग नौकाइंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन कब किया जाएगा? कैनोइंग नौकाइंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 18 जनवरी 2021 को किया जाएगा। 18 जनवरी 2021 को भोपाल में दिव्यांग कयाकिंग कैनोइंग नौकाइंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन किया जाएगा। वहीं सातवीं राष्ट्रीय कैनो सलासम प्रतियोगिता महेश्वर में 3 से 5 जनवरी 2021 तक आयोजित हो रही है। राष्ट्रीय स्तर की इस स्पर्धा में करीब 13 प्रदेशों की टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को लाइट हाउस प्रोजेक्ट आधारशिला रखी है, जिसमें मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शामिल किया गया है? ये इंदौर शहर शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वैश्विक आवास निर्माण प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता भारत के तहत 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। आइए जानते हैं हम इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार के 6 शहरों इंदौर, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ और राजकोट में 1000 से अधिक मकानों का निर्माण करेगी। कार्यक्रम में आवासीय और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इंदौर से वर्चुअली शामिल हुए। ये बनलाइनर फैक्ट देखते हैं हम। मुख्यमंत्री ने 2 जनवरी 2020 को मंत्रालय में मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2021 की डिजिटल डायरी एवं कैलेंडर का विमोचन किया। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 2 जनवरी 2021 को भोपाल के 3 वैक्सीनेशन केंद्रों पर ड्राई रन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के पौरस स्मृति अलंकरण समारोह का आयोजन ग्वालियर में 1 जनवरी 2021 को किया गया है। वेटरनरी विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति डॉक्टर SP तिवारी हैं। अगला जो हमारा है कि राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने 3 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का तीसरा विस्तार किया, जिसमें नवनियुक्त मंत्री तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई। हमारे मध्य प्रदेश के महाअधिवक्ता प्रसेंद कौरव। राजमार्ग मिशन के CEO प्रधान मुख्य संरक्षक डॉक्टर अभय कुमार पाटिल हैं। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के अनुसार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अंतर्गत नवीन निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए प्रदेश के विभिन्न अंचलों में 1578.25 हेक्टेयर भूमि पर 20 नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना तैयार की गई है। ये टॉपिक है, पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 51 जिलों में छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 51 जिलों में 100 सीटर पिछड़ा वर्ग बालक एवं 50 सीटर कन्या छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। इन छात्रावासों का संचालन पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। उज्जैन जिले में 100 सीटर बालक तथा 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन निर्माण पूर्णता की ओर है। जबलपुर जिले में 500 सीटर पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास भवन निर्माण का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च अध्ययन के लिए विभाग द्वारा आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। इस वर्ष अब तक 10,50,00,000 रुपए की राशि 40 विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के लिए मंजूर की गई है। निजी क्षेत्र में बांस उत्पादन की उत्पादन इकाइयों की स्थापना में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में बांस उगाने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए बांस उत्पादों की 9 उत्पादन इकाइयों की मंजूर कर 1,22,00,000 रुपए से ज्यादा का अनुदान जारी किया गया है। इस वर्ष मध्य प्रदेश के 32 आधारित इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा 3 जनवरी 2021 को इंडियन बैंक एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित वेबिनार का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय बांस मिशन की योजना में बांस उत्पादों के उद्योग लगवाने के लिए बैंक एडेड सब्सिडी स्कीम का प्रावधान है। इच्छुक उद्यमियों के बैंक वेल प्रोजेक्ट भी मिशन द्वारा निःशुल्क बनवाया जा रहा है। बैंकों की अनुशंसा पर अभी तक 9 इकाइयां स्वीकृत कर 1,22,65,000 रुपए का अनुदान अभी तक जारी किया जा चुका है। दोस्तों, ये जॉब से संबंधित ये है इंफॉर्मेशन है। IIT गोविंदपुरा भोपाल में प्लेसमेंट ड्राइव 5 से 6 जनवरी 2021 को होगा। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गोविंदपुरा भोपाल में 5 से 6 जनवरी 2021 को सुबह 10 बजे प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक युवा अपने मूल प्रमाण पत्र, बायोडाटा आदि के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। आवेदन की शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, BE मैकेनिकल, ITI तथा आयु 18 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जस्टिस मोहम्मद रफीक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये 26वें मुख्य न्यायाधीश होंगे दोस्तों। इसके बारे में 26वें हैं कि 29वें हैं, ये बहुत मतभेद है, क्योंकि कई एग्जाम मतलब ये न्यूज चैनल में 29वें लिखा आ रहा है, लेकिन हमने वेबसाइट पर देखा तो उसमें 25 तक दिए गए हैं। और उसके बाद जो एक्टिंग
चीफ जस्टिस होते हैं उनका नाम उसमें नहीं है, ये 26 वे बनाए जाएंगे ऐसा उसमें है। जैसे कि संजय यादव अभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने 3 जनवरी 2021 को 26वें नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिपति मोहम्मद रफीक को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की शपथ राजभवन में दिलाई। उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव का स्थान लिया। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक राजस्थान के शेखावटी के चुरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे के मूल निवासी हैं। आपसे आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि वर्ष 1958 से 1965 के बीच मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया कौन रहे जो देश के एकमात्र आईपीएस हैं जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। के वी मुंशी, के एफ रुस्तम जी, के एल अन्ना, कैलाश पाठक में से एक आंसर इसका सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कर दें दोस्तों। इसके पीडीएफ इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी दोस्तों, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, इसकी पीडीएफ लिंक आपको कल मिल जाएगी। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कमेंट जरूर कर दिया करें। और दोस्तों हमारा डेली अभी हम 2 दिन से नहीं अपलोड कर पा रहे थे, तो अब ये 2 दिन का है ये वीडियो, तो आप देख लें। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।